गम से उलझते हैं, अभी तो कर्बला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, लबैक या रसूल अल्लाह। ये है मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी, जो इन दिनों अपने विवादित बयान की वजह से चर्चा में हैं। एक बार फिर सुनिए उनके भाषण का वो हिस्सा जिसके चलते मौलाना सलमान अज़हरी पर गुजरात पुलिस ने शिकंजा कसा है। फिर आपको उनकी पूरी कुंडली बताएंगे। हमसे उलझते हैं, अभी तो कर्बला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, लबैक या रसूल अल्लाह। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना सलमान अज़हरी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें घाटकोपर थाने लेकर पहुंची। इसके बाद थाने के बाहर बड़ी संख्या में मौलाना के समर्थकों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए हल्के लाठीचार्ज का सहारा लिया। आइए जानते हैं मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी कौन है और उन्हें गुजरात पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया है। मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी खुद को इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर बताते हैं। सलमान अज़हरी जामिया रियाजुल जन्ना, अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और दारुल अमान के संस्थापक हैं। इन्होंने काहिरा के अल अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मौलाना मुफ्ती को कई सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय देखा गया है। मुस्लिमों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। उनके भाषणों को सुनने दूर दूर से मुसलमान पहुँचते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है। वो कई बार अपने भड़काऊ भाषणों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। आरोप है कि इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अज़हरी ने 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में भाषण दिया था, जिसमें नफरत भरी बयानबाजी की थी। भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने धारा 153B के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उसी दिन कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें मौलाना का करीबी बताया जाता है। तभी से मौलाना की तलाश थी। बीती रात जूनागढ़ पुलिस ने मुंबई से मुफ्ती सलमान अज़हरी को गिरफ्तार कर लिया। जूनागढ़ में मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी ने कहा था कि अभी कर्बला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज वक्त है, हमारा दौर आएगा। इस दौरान मौलाना ने कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। मौलाना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हमसे उलझते हैं, अभी तो कर्बला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, लबैक या रसूल अल्लाह। जाहिर है मौलाना सलमान अज़हरी पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप है। हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के संगीन आरोप है। अब देखना होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के खिलाफ आगे क्या एक्शन होता है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।